chat. So, Chalrata, Ayam Dharma, ही ना, इसमें देखिए टीकाकार कहते हैं आकाशांता भाषिका आकाशांता पृथ्वी आदि भूतगणा देवता गणाश्च कार्यकरण संघात आत्मानः उपकुर्वन्तो मधुभवन्ति प्रतिशरीरिणम् इत्युक्त। अब तक जो आपने देखा था वह सब भूतों की चर्चा, आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत भूतगणों को पहले ले लिया और उन्हीं का ही देवतागण आदेविक और आध्यात्मिक रूप ले लिया। कार्यकरण संघात रूप से विद्यमान परस्पर उपकार करता हुआ कार्य रूपेण है, ये बात प्रत्येक शरीरी का दृष्टि से कह दिया गया है। ये न ते प्रयुक्त शरीर भी संबद्धमान मधुत्यन उपकुर्वंती तद वक्ता। अब जिनसे प्रयुक्त होकर धर्म सत्य इत्यादियों से प्रयुक्त होकर के ये सकल शरीरी इन कार्यकरण संघात पृथ्वी आदि आकाश पर्यंत वस्तुओं का सत्संबंध करते हैं, अतः उसको भी मधुत्वेन ही उपकारी उपकारक भाव के माध्यम से कथन करना चाहिए। इसके लिए अगला यह मंत्र आरंभ होता है, तद वक्त मिधि इदम आरभ्य दे। कार्य मैंने भूतगण, कर्णम देवता का कार्य क्या है भूतगण और कर्ण क्या है देवता का, यही आपने देखा था वाग भूतवा पर बताया था। इस प्रकार से जो कहा गया है उसी को ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर टिप्पण देखना, अयम धर्म पर एक नंबर है, अस्मिन पर्याय बहवो धर्म शब्द वर्तन्ते। इस मंत्र में बहुत सारे धर्म शब्द प्रयोग किया हुआ है ना, तो तत्र यश्चयम अस्मिन धर्म इत्यत्र आगे जो है ना, यश्चयम अस्मिन धर्मे तेजमय अमृतमय पुरुष, वो जो धर्म शब्द है उसे क्या लेना, इतर साधारण पृथ्वी आदिकारी धर्म विद्या, जो साधारण धर्म है जो सृष्टि सामान्य का कारण, आपके जन्म का कारण नहीं, व्यष्टि के जन्म का कारण नहीं लेना, ये समष्टि के जन्म का कारण ही होता है जो साधारण धर्म है उसको लेना है। कहा आगे आया वो जो अयम अस्मिन धर्मे, उस धर्म शब्द से, ये वाला नहीं अयम धर्म वाला धर्म से नहीं, आगे आया वा यश्च अयम अस्मिन धर्मे तेजमय अमृतमय पुरुष, उस धर्म शब्द से वो साधारण धर्म समष्टि के कारण होता उसको लेना। और यश्चयम अध्यात्म धर्म उसे और आगे जा करके यश्चयम अध्यात्म धर्म करके जो आया हुआ था व्यष्टि का कारण धर्म लेना। चित्र आत्मनो देहाध्यारंभ का, व्यक्ति का इस जीवात्मा का अपने शरीर आदि आरंभ का प्रत्यात्म असाधारण धर्म, प्रत्येक जीवात्मा के अपने अंतकरण में विद्यमान जो असाधारण धर्म है उसको लेना। और अब यहाँ जो शुरू में मंत्र का अयम धर्म चित्र तो तद उभयात्मकम अपूर्व उच्चते विवेक, उभयात्मक लेना जो दोनों का सामान्य वो स्वरूप होता, अपूर्व शब्द वाच्य ग्रहण कर लेना। किं तद उभयात्मकम अपूर्व मिथ्याशंक, वह क्या है उभयात्मक पूर्व, कदे प्राजापत्य पूर्व मिथि, वह क्या है जिस सकल ब्रह्मांड के जो कर्ता जो ब्रह्मा जी है प्रजापति है उनके अंतकरण में जो अपूर्व है उसको लेना, जिस अपूर्व के कारण से वो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पहले समष्टि की फिर व्यष्टि का निर्माण करते हैं, वह प्राजापत्य पूर्व को लेना। प्राजापत्यम अपूर्वम यत् सर्वभूत प्रयोजकम अध्यात्म पिंड प्रत्यक्ष स्वयं धर्माभिदोदित, ये वार्तिक कार ने तीनों धर्म शब्द का अलग अलग अर्थ स्पष्ट कर दिया है। वापस लौटे भाष्य में अयम धर्मो, अयम इति अप्रत्यक्ष धर्म, यद्यपि अयम कैसे प्रयोग कर दिया, यद्यपि धर्म जो है अप्रत्यक्ष है फिर भी अयम में जो आ रहे क्यों हुआ, कार्येण तत्प्रयुक्ते न प्रत्यक्षेण उपदिश्यते, जो धर्म का कार्य है ना वो प्रत्यक्ष सभी को अनुभव में आ रहा है। कार्य ना तत्प्रयुक्त, कौन सी कार्य होगी, धर्म से प्रयुक्त जो कार्य, धर्म रूपी निमित्त से उत्पन्न जो कार्य, धर्म तो निमित्त कारण होता है उपान कारण नहीं है, धर्म रूपी निमित्त कारण से प्रेरित होकर उत्पन्न जो कार्य जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा उपदेश कर दिया गया है अयम बंग। प्रत्यक्ष व्यपदिश्यत है उसी को प्रत्यक्ष के द्वारा उपदेश दिया गया है अयम धर्म इति प्रत्यक्ष वक्त, इसीलिए कार्य का प्रत्यक्ष के आधार पर
कारण तथा धर्म को भी अभेद करता हुआ प्रत्यक्ष व्यवहार कर दिया, अयम धर्म हो दिया। धर्मश्च व्याख्या था, और धर्म की व्याख्या बहुत पहले हो चुका है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है उस चीज, एक चार में आ गया। श्रुति स्मृति लक्षण, श्रुति स्मृति है प्रमाण जिनका, क्षत्रादिनाम अभिनियंता कहा था ना, क्षत्रियों का भी अनियंता है, ब्राह्मणों का भी अनियंता है इत्यादि करके पहले बोल चुके हैं। नियंता जगतो वैचित्र्य, इस जगत का वैचित्रता का कारणीभूत तत्व वह धर्म है। पृथ्व्यादि नाम परिणाम हेतु प्राणी पर अनुष्ठीय मान रूप, पृथ्व्यादियों का परिणाम का कारणभूत भी धर्म ही है, और प्राणियों के द्वारा अनुष्ठीयमान तत्व भी धर्म ही है। अनुष्ठीयमान रूपश्च रूप्यते निरूप्यते आरभ्यते कार्य माने नहीं थी रूपम, रूप क्या है जो कार्य को आरंभ करे, क्या कार्य है हम लोगों के सुख दुखात्मक जो कार्य हो रहा है, शरीरात्मक जो कार्य प्राप्त हुआ है, इसका आरंभ को हमारे अपना पुण्य और पाप, अपना ही धर्म अपना ही अपूर्व, इसे कहते हैं रूपम मैंने अपूर्वम आचाराख्यम कारणम, कौन सा लेना आचरण रूपा एक कारण है जिसके वजह से हमारे द्वारा हमारी आचरणों का ही नतीजा पुण्य और पाप होता है। तद अनुष्ठीय मानम यस्य, वही है अनुष्ठीय मान जिस व्यक्ति का, उसी का नाम धर्म, यस्य तद धर्म, ये सर बहुवरी समास कर दिया तो क्या है वो धर्म है, आचरण करने योग्य सभी के द्वारा अपने शरीर रूप कार्य अथवा सुख दुख का रूप कार्य के प्राप्ति के अनुकूल अनुष्ठीय मान जो पदार्थ संसार में है तो वह आचरण रूपा धर्म है। तेन चयम धर्म इति प्रत्यक्ष, इसी के आधार पर यहाँ पर जो है अयम धर्म कर प्रत्यक्ष उपदेश कर दिया कि सभी के द्वारा प्रत्यक्ष के द्वारा अनुष्ठीय माने, जो अनुष्ठीय माने वो प्रत्यक्ष है क्योंकि स्वक्रिया जन्य, स्वक्रिया प्रत्यक्ष होने से तजन्य भी आपके लिए प्रत्यक्ष है, और सुख दुख भी प्रत्यक्ष होता है, तत्कार्य भी सुख दुख रूप कार्य का प्रत्यक्ष के आधार पर कांड पर धर्म भी प्रत्यक्षता का व्यवहार हो गया। सत्य धर्म योश्च अभेद निर्देश कृत, पहले भी सत्य और धर्म दोनों का अभेद पूर्व निर्देश कर चुके हैं प्रथमाध्याय में। शास्त्र आचार लक्षण योर, यह तो भेद निर्देश है लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं अलग अलग कर रहे हैं। ग्यारहवीं कंडिका जो आप पढ़ रहे हो इस समय में, ग्यारहवा जो कंडिका उसे धर्म को लिया अयम धर्म, और अगले बारहवें में जो क्या ले रहे इदम सत्यम सर्वेशा भूताना मधु ले रहे, यह धर्म और सत्य को अलग कर दिया। प्रथम अध्याय में धर्म और सत्य को एक किया है, क्यों ऐसे किया कहते यहाँ अलग बात है वहां थोड़ा अंतर है, तो धर्म और सत्य उसे कोई संशय नहीं, यहाँ पर शास्त्र और आचार रूपी भेद को दिया, एक शास्त्र है वो सत्य जो आचार है वो धर्म, ऐसा अंतर कर दिया। और वहां पर अभेदगण में क्या है शास्त्र आचारों का प्रतिपादक है, ग्रंथ प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का अभेद कर दिया, प्रतिपादक है शास्त्र उसे प्रतिपाद्य यागादिरे धर्म वो है आपका आचार, इन दोनों का अभेद कर दिया, प्रतिपाद्य प्रतिपादक का अभेद करता वहां पर सत्य और जो धर्म को एक किया, और यह प्रतिपाद्य और पृथक रूपेण दोनों के दोनों स्वतंत्र कार्य भी हैं और स्वतंत्र कारण भी है उपकार उपकार भाव है ना, ये बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ अलग अलग लिया गया है। इसे कहते हैं सत्य धर्म भेद निर्देश कृतः इदानीम तो यह तो मैंने अस्मिन अध्याये इस द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय में एक कर दिया, इन द्वितीय अध्याय में शास्त्र आचार लक्षण योर सत्य धर्म भेदेश एकत्व सत्य यद्यपि वो अब एक ही है फिर भी उसको भेदे न शिष्य जिज्ञासा का विस्तार समझाने के लिए शिष्य बुद्धि वैशिध्यार्थम श्रुति मातृत्व कृपादो होते हुए समझा रहे हैं। दृष्टादृष्ट भेद रूपेण कार्यारंभकता, क्योंकि एक दृष्ट रूपेण कार्यारंभक है दूसरा अदृष्ट रूपेण कार्यारंभक होता है। यस्तु अदृष्ट अपूर्व के धर्म सामान्य विशेषात्मना अदृष्ट रूपेण कार्य आरभ दे, और इसमें भी जो अदृष्ट है वो कौन है वो अपूर्व नाम से सुप्रसिद्ध है, उसी को यहाँ अयम धर्म से शुरू कर दिया था, वह सर्वसामान्य रूप है। फिर वह सर्वसामान्य रूप का जो वह धर्म है वह फिर दो भाग विभक्त हो गया, एक का नाम साधारण असाधारण, अतः एक का नाम सामान्य
दूसरे का विशेष सामान्य विशेषात्मना अदृष्ट रूपेण कारम आरभते। सामान्य और विशेष रूप से वह अदृष्ट रूपेण कार्य का आरंभक हो जाता है। सामान्य विशेष का मतलब समष्टि व्यष्टि, समष्टि का कारण रूपेण और व्यष्टि का कारण रूपेण अलग अलग रखते हुए कार्य का आरंभक हो जाता है। स्वयं समझा रहे, सामान्य रूपेण पृथ्वी आदि नाम प्रयुक्ता भवती। सामान्य माने समष्टि रूपेण आप देखोगे वह धर्म क्या कर रहा है, पृथ्वी आदि का आरंभक हो गया। और विशेष रूप में विचार करो तो जो अध्यात्म कार्यकरण संघात, ये जो कार्यकरण संघात पर जो अध्यात्म व्यष्टि शरीर है इसका आरंभक हो रहा है वो धर्म। तत्र पृथ्वी आदि नाम प्रयोक्तरी यश्चयम अस्मिन् धर्मे तेजम, आगे ना उन दोनों में से जो पृथ्वी आदि अंग प्रयोक्ता है यश्चयम अस्मिन् धर्मे तेजम इत्यादि वक्यों के उसको लिया गया। और तथा अध्यात्म कार्यकरण संघात कर्तृ धर्मे भवो इति धर्म, कार्यकरण संघात कर्ता प्रपद धर्म में जो होता है उसका नाम धर्म करके अतः अध्यात्म इत्यादि कर व्याख्यान किया गया है। ऐसे ये जो अध्यात्म का कारण होता अधिदैव कारण होता और व्यष्टि और समष्टि कारण होता धर्म एक है। और धर्म का कार्य क्या है, ये सकल भूत है और इन सकल भूतों का कार्य वह धर्म है। अतः परस्पर धर्म और सकल भूत अर्थात जो है समष्टि व्यष्टि एवं धर्म कैसे है, परस्पर उपकारी उपकार भावेण स्थित है। धर्म से शरीर हुआ, शरीर से भी धर्म होता है, ये चक्र चलते रहता है। इसी प्रकार से सत्य इदगुं सत्यगुं सर्वेषां भूतानां मधु अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयम् अस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम् अध्यात्मं सात्यस्तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयम् एव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुं सर्वम् इदम् सत्यम् सर्वेषां भूतानां मधु, यही सत्य है जो कि सकल भूतों का ये मधु है। यह जो सत्य है वह सकल भूतों का कार्य और अस्य सत्यस्य इस सत्य का सर्वाणि भूतानि मधु सकल भूत कार्य। भूतों का कार्य सत्य है और सत्य का कार्य भूत परस्पर। यश्च अयम् अस्मिन् सत्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषः, इसलिए वह यह जो समष्टि में यह सत्य रूपी तेज अमृत में पुरुष कारण होता तत्व है और यह जो इस अध्यात्म में सात्य है सत्य भवा सात्य, क्योंकि उसी समष्टि का एक अवयव रूप व्यष्टि है, अलग तो है ही नहीं, इसलिए सात्य का धार बह वहां बोला यहाँ सात्य कह रहे व्यष्टि को। तेज में अमृत में पुरुष है अयम एव सो यम आत्मा, यही एव जो ये आत्मा है वो चतुष्कोटिक रूपेण विभक्त होकर जो दिखाई देता है वो अतिरिक्त और कुछ नहीं वो यही वो आत्मा है अर्थात सत्य और सत्य का अभिमानी जो लिंग आत्मा, ये तो ले रहे ना पृथ्वी, पृथ्वी का मानी लिंग आत्मा, यह शरीर, शरीर का अभिमानी लिंग आत्मा, चार कोटि प्रत्येक में जाएगा अग्नि, अग्नि का अभिमानी लिंग आत्मा, वृष्टि में भी अग्नि संबंधी जो यह वाक था उसका अभिमानी करके लिया, सब जगह चार कोटि ले रहे हैं और चारों को अभेद करता है अयम एव स यो यम आत्मा, चारों का अभेद, उस अभेद को बताने के लिए यहां पर यश्च अयम चकार के द्वारा शरीर को लिया और उसका लिंगात्मक तेज में अमृत में पुरुष के द्वारा समष्टि में, इस वृष्टि में भी यश्च अयम सात्य जहां कर अध्यात्म वहां पर वृष्टि का अपना शरीर और शरीर के अंदर विद्यमान जो वो उसका लिंगात्मा उनको अभेद करता हुआ अंत में कह दिया अयम एव स यो यम आत्मा पूर्व प्रतिज्ञा था, यही है वह जो पूर्व प्रतिज्ञा था आत्मा है इदम अमृतम, जिसके अमृत तो साधक पूछा गया था वह अमृत भी यही है। इदम ब्रह्म, जिसको पहले ब्रह्म तेज पश्यामी या ब्रह्म तेज जो है कहा था उसने बलाकी ने दीर्घ बलाकी ने प्रतिज्ञा की थी वो भी यही है इदम सर्वम, और यही वह ब्रह्म यह सब कुछ है। तथा दृष्टेन अनुष्ठीय मानेन आचार रूपेण सत्याज्ञ भवति, दृष्टेन यहाँ पर वही बात शब्द प्रयोग करें अनुष्ठीय मानेन, वो कैसा था अदृष्टेन अनुष्ठीय मानेन था, वह अदृष्ट अनुष्ठीय मान रूप था, दृष्ट अनुष्ठीय मान रूप है ये अंतर धर्म और सत्य में, और वाक्य में दोनों अभिन्न एक आचार रूपेण सत्यात्व भवती सैव धर्म, इसलिए बोलते हैं ना वही धर्म है और कुछ नहीं। सोपि द्वि प्रकार एव
ऐसा वाह या जो सत्य, यह भी दो प्रकार का है, एक समष्टि का कारण होता, एक व्यष्टि का कारण होता। समष्टि का कारण को सामान्य सत्य कहेंगे, व्यष्टि का कारण को विशेष सत्य अथवा सात्य कहेंगे। इसलिए कहे सामान्य रूप पृथ्वीयाद समवेत, विशेष रूप कार्यकरण संघात समेत। तत्र पृथ्वीयाद समवेत वर्तमान क्रिया रूपे सत्य, उनमें से भी पृथ्वीयादियों में समवेत जो सत्य ना वर्तमान क्रिया रूप है, वो वर्तमान क्रिया रूप में अनुष्ठीयमान आचार रूप है, अनुष्ठीयमान आचरण रूपा है। जिसलिए हम लोगों के अंदर कुछ न कुछ सत्यता का अनुष्ठान हो रहा है, अतएव ही हम लोग यहाँ पर हमारे वजह से, हमारे सत्य आचरण से ये पृथ्वी टिकी हुई है। और इस पृथ्वी टिकी हुई है, पृथ्वी कार्य हम होने के नाते पृथ्वी भी सत्य का कार्य कार्य है, अतएव हम लोगों के अंदर भी सत्यता किंचित अभी विद्यमान है, ये चलते रहेगा। अब शत प्रतिशत झूठ बोलने का कोई प्रयास करे तो कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता कोई संसार में कि हम 100% 24 घंटा झूठ बोलेंगे। संकल्प करो, हर समय फंसेगा। आपसे पूछा पुरुष है, आपको बोला नहीं है, झूठ बोला ना, क्या होगा? स्त्री है, नहीं है, फिर क्या हिजड़ा है, नहीं है, फिर क्या है? कुछ नहीं है तो नहीं है, वो भी बोलना पड़ेगा। हर चीज झूठी तो बोलना है, आपने भोजन कर लिया, नहीं है, बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना है तो हर बात तो झूठ बोलनी पड़ेगी, फंस जाओगे। शौच करने जा रहे हो, कहते नहीं है, फिर जाओ करो, बस हालत खराब हो जाएगी। कहां तक झूठ बोलेगा आदमी, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप ही सत्य है, वह स्वभाव को त्याग नहीं सकता है, कहीं ना कहीं वह सत्य बोल ही देता है। इसलिए पुलिसों में क्या होते, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अलग डिग्रियों में होते हैं। वहां पर जब प्रताड़ना दी जाती है सत्य बोलने के लिए, अलग अलग डिग्री की दंड होता है। इसको थर्ड डिग्री दो, अभी बोलते दो चार दिन फर्स्ट डिग्री हो गए, जो दंड बैठक करा दिया, पिटाई पुटी कर दिया, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, ये सब फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट में आते हैं। सेकेंड डिग्री तो खाना पीना बंद, पानी पूछेगा तो पेशाब देंगे, ऐसे ऐसे कर उल्टा टांग, उल्टा टांग देंगे उसको, हाथ ऊपर ही कर, नीचे नहीं ला, नीचे लाते पिटाई, ऐसे कर। सेकेंड डिग्री और थोड़ा कठिन कर देते, थर्ड डिग्री में तो उसको बेलन वेलन सब चलेगा। फिर मैंने सत्य जब तक रहे, क्यों उसके स्वभाव है तो बोलेगा ही, यदि उसके स्वभाव ये असत्य बोलना ही था, चाहे तुम कोई भी डिग्री का ट्रीटमेंट दो, क्या फर्क पड़ना है, वो तो असत्य बोलेगा। लेकिन स्वभाव में सत्य होने के नाते कहीं ना कहीं जाकर के वो सत्य बोलता है, निश्चित है। अतः उसका अलग ट्रीटमेंट के द्वारा सत्य बुलवाया जाता है, निकाल दो, उसके सत्य निकालेगा, बोल ही देगा मरते उसका अंतिम अंत में। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है वो जो सत्य रूप है पृथ्वी में समय, जिसको कहा जा रहा है वर्तमान क्रिया रूप से, वर्तमान क्रिया रूप अनिष्ठीयमान आचार रूप है वो, ये समझो। तथा अध्यात्म भी कार्यकरण संघात समेत सत्य भव यदि सात्य, इस अध्यात्म जो कारण संघात का समेत है वह भी सत्य में ही निष्ठ होने के नाते उसका नाम सात्य करके कहा जा रहा है, वो भी अनिष्ठीयमान रूप ही है, समझे। सत्येन वायु रावादिति श्रुत्यंतरात्, ये अत्यन्यत श्रुति कहती है, श्रुत्यंतर गणे बृहन नारायण उपनिषद है, बृहन नारायणी उपनिषद का कंडिका नंबर जो है 79 दिया है नंबर, यहाँ वाणी का सत्येन वायु रावाति, सत्य से ही सारा चल रहा है। शिवरात्रि की कथा में भी प्रथम प्रहर की कथा में यही कहती है ना, वो जो फंस जाती हिरण यही कसम खाती, ये सारा संसार सत्य पर टिका है और मैं उस सत्य का कसम खा कर कहती हूँ मैं लौटूंगी, मुझे वापस जाने दो, भैया सुने हैं? शिवराज की कथा सुनी चाहिए, दो कथा, एक तो वो ये भील की वाली कहानी, चार प्रहर की चार जो है कहानी होता है, और जो आंख वाली कहानी दो है ना, कन्नप्पा का कहानी, बेटर कन्नप्पा कहते भील था वो, सब लोग पूजा पाठ करके, ब्राह्मण पंडित सब पूजा पाठ करके चले जाते थे,
उसके मन में कुतूहलता हुई, ये पंडित लोग रोज आते हैं यहाँ, करते क्या? जंगल का बहुत विशाल मंदिर था, बहुत कोई प्रसिद्ध पीठ रही होगी, बहुत लोग आते तो पूजा पाठ करके चले जाते थे, रोज सबरे आना आ लो चले जाना। और फिर देखते था इस बात, देखते उसके मन में एक दिन अंदर जाके देखी क्या है। वो 12 बजे करे वो चले गए, वो देखा कोई फूल चढ़ा रखा है, पत्ता है, मिठाई है, ऐसे टाइप से चाखा चढ़ा हुआ है। लोग ऐसे लाला करके चढ़ाते, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे चढ़ाऊ? तो उसने क्या किया, लोटा है नहीं तो गया मुंह में पानी भर लिया, मुंह में पानी भर के लाया और करके जो है भगवान पर चढ़ाया। और क्या करता, कमंड लमंड लोटा वोटा कुछ नहीं था। और फिर जब उसने जितना उनका चढ़ा सब हटा उठो करके वह इधर उधर देखा का कहीं फूल नहीं, तो बेल पेड़ दिखी, तो बेल पत्ता तोड़ा उसको चढ़ा, फिर देखा क्या करूं इनको मिठाई हम कहां से लाए, बाजार तो कौन जाए कहां से खरीदे, उसके पास कुछ है नहीं, तो जंगली आदमी है भिल है। उसने कहा जो हम खाते वही हम चढ़ा देते, जो होगा देखा जाए। तो उसने गया अपना मांस खाता था वो मार वर के पशु पक्षी, और उसी का फर्स्ट क्लास पकाया और उसको चढ़ा दिया। अब अगला दिन जब ब्राह्मण लोग देखा कि ये क्या है, पवित्र कर दिया, मांस चढ़ा रखा है यहाँ पर, खून का नहीं क्या है, बेचारे सब शुद्ध किए, दोबारा प्राण प्रतिष्ठा किया, अब रोज रोज यही धंधा, हफ्ता भर परेशान हो गए। तब अंत में उन्होंने कहा भगवान का आह्वान किया, हम लोग पंडित क्या बात ऐसे कैसे हो रहा है। तब उन्होंने भगवान ने कहा अरे वो भक्त है, क्या करूं, उसकी जैसे सूझबूझ है वैसे कर रहा है, उसकी जैसे सामर्थ्य है वैसे कर रहा है, वो भी भक्त ही है। अरे कैसा भक्त है, मां चढ़ा देते ये कर धंधा कर दे रहा है, पानी कैसे जा डाल देता है, गंध भी आ रहा है, एकदम मुंह के कुल्ला करके डाल दिया जैसे लग रहा, और फूक फूक करके तो होएगा ना वो ऑर्डर परेशान। और मंत्रों को चिल्लाते थे वो पंडित लोग, इसको मंत्र आता ना तो चिल्ला दे, ऐसे ही चिल्ला देता था, हम भी मंत्र बोल रहे भगवान क्या करा, उसकी भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान रोक भी नहीं रहे। तो पंडितों ने कहा वास्तव में श्रद्धावान भगत है, उसकी परीक्षा लीजिए। अच्छा चलो आ जाएगा तो परीक्षा, तो कहा ठीक है। परीक्षा लेने वो जैसे आया, भोजन जब भाभूक लगाई सब कुछ करने के बाद हाथ जोड़ कर भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो एक काम करेगा भगवान की, तो भगवान बोले क्या हो गया, आप गाना कैसे हो गए, अरे क्या करो तुम मेरे भक्त हो, मेरे को जो चाहे तुम करने को तैयार हो तो मेरे को तुम अपनी काम देगा। अच्छा तुरंत उसने बाण लिए, खट से निकाला, दूसरे टंगर से चिपका दिया, भगवान की दूसरी आंख फूट गई खट से, तुरंत पैर से उसकी आंख को दबा बंद कर खून बहाना रोक दिया और कहा भगवान चिंता मत करो मैं दूसरा अंक अपना चढ़ा देता हूँ तुम्हारे। और जैसे दूसरा अंक निकालने लगा भगवान प्रकट हो वास्तविक, और क्या कि तेरे से भक्त संसार, इसलिए आज से आगे तुम्हारे चढ़ाए हुआ जैसा उसी कोई पहला कहानी है जो बेलपत्ता चढ़ना, इसे कहते आज से आगे जो और कुछ भी नहीं है, जो व्यक्ति बेलपत्ते चढ़ाता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय संसार, उसको मैं तीनों लोगों का फल दे देता हूँ, जो चाहे मुक्ति भी दे सकता हूँ। इसे लोग जो एक दिन पहले से जा करके बेलपत्ती क्योंकि आज तोड़ नहीं सकते, निषिद्ध है, सोमवार को तोड़ नहीं सकते, रविवार को तोड़ के रखना पड़ता है, नहीं नहीं फटा साटा पत्ता ना वो सब देख दाकर कई लोग तो उस पर ओम नमः शिवाय लिखते हैं बैठ कर श्रीगंधा जी से चंदन बना के किसी से या अष्टगंध से ओम नमः शिवाय लिख करके फिर पत्तों पे चढ़ चढ़ा दे, अनेक प्रकार से लोग करते हैं अपने अपनी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य अनुसार। तब से प्रथा चला बेलपत्ती चढ़ा, ये कथा है। दूसरे प्रहर वाली कथा है, प्रहर वाले में याद है सत्य, सत्य के आधार पर सारा धरती टिका है, हम सब जीव जंतु जिंदे हैं, उस सत्य की कसम खाती हूं कि मैं लौट जाऊं। तभी वो कहते ठीक है फिर जाओ। उस भील कवि के 4 बार पूजा होती है, व्याधेश्वर महादेव आज भी है, ये क्षीरपाण झाड़ी जो नर्मदा तट पर व्याधेश्वर महादेव प्रसिद्ध है, जहां पर शिवरात्रि घटना घटी थी, तो उत्कृष्ट स्थान। तो ये सब जो है सत्य के आधार पर है ना, इसे सत्य क्या हो भी अनुष्ठीयमान रूप है, वह ये नहीं कि कोई कहीं छिपा हुआ है, सभी के आचरण में विद्यमान, सभी के आचरण में नित्य विद्यमान। इसलिए कहते हैं सत्य बाबा साधु सत्य न वायु रावती थी,
सत्य के कारण से वायु बह रहा है, सत्य के कारण से जल टिका हुआ है, सत्य के कारण से पृथ्वी है, सत्य के कारण सूर्य चंद्रमा सारी चीज चल रही है। तीसरे कहते हैं वह सत्य ही आत्मा है, वही अमृत है, वही ब्रह्म है, वही समस्त जगत है। इस तरह सर्वाभेद करता हुआ जो व्याख्या इन्होंने कर दिया। अब अवयवों की व्याख्या में अंतिम अवयव में आ रहे हैं, जाति को लेकर। अब तक अवयवों को ले रहे, आकाश भी समष्टि का अवयव, उसके बाद व्यष्टि का अवयवों को लिया, समष्टि और व्यष्टि के अवयवों को लिया। अब अवयवी के रूप अब बात देखें। अब अंतिम अवयव ले रहे, इदम मानुष गम सर्वेशां भूतानां मधु अस्य मानुष सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयमस्मिन् मानुषे तेजमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम् अध्यात्मं मानुष तेजमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुरुं सर्वम्। धर्म और सत्य से प्रयुक्त यह कार्यकरण संघात रूप समष्टि और व्यष्टि जो भी आप देख रहे हो, वह जिन जाति विशेष की तरह संयुक्त होता है वह मनुष्यत्व जाति। यह जाति सामान्य लक्षित है, मनुष्यत्व विशेष बने लिया कि अध्ययन अध्यापन का सामर्थ्य मनुष्य में ही होता है, अतएव यहाँ पर केवल मनुष्य मात्र नहीं लेना, पशुत्व भी लेना, देवत्व लेना, असुरत्व लेना, सारी चीज लेनी है। जाति मात्र को उपलक्षक है मानुषम शब्द, जाति मत सकल पदार्थों का कथन कर रहे हैं। इदम मानुषम सर्वेशां भूतानां मधो, वह यह जो जाति मत पदार्थ सब कुछ है वह सकल भूतों का कार्य, और इस मानुष का अर्थात जाति का कार्य सकल भूत है। वह यह जो अयम अस्मिन मानुषे तेजमय अमृतमय पुरुष, वह यहाँ पर भी मानुष शब्द तीन बार आ रहा है, वहां भी इसी तरह से समष्टि का कारण अलग व्यष्टि का कारण अलग लेनी पड़ेगी जातियों को। इसलिए भो भूमि शब्द में तथा इसलिए कहते हैं वह यह जो इस मानुषे तेजो अमय अमृतमय अर्थात जो समष्टि का कारणीभूता जाति का अभिमानी जो देह है, लिंगाभिमानी शरीराभिमानी जो आत्मा है, वह यह अमृतमय पुरुष है। और इस अध्यात्म में भी इस वृष्टि में भी तत्व जातियों का अभिमान करते हुए जो लिंगात्मा अभिमानी शरीर है आत्मा है, वही अमृतमय तेजोमय पुरुष है अयम एव स। और दोनों का भेद करते हुए समझो कि यही वह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। भाष्य धर्म सत्याभ्याम प्रयुक्त अयम कार्यकरण संघात विशेष अपूर्व और आचार, धर्म और सत्य, धर्म से अपूर्व ले लो, सत्य से आचरण ले लो, इन दोनों के द्वारा प्रयुक्त होकर के धर्माय से प्रयुक्त होकर के सूत्रात्मा विराट आत्मा जो समष्टि में और यहाँ पर भी विश्व और तेजस्वरूपा इस व्यष्टि में प्रवृत्त होता है, कारण संघात विशेष होता है। स येन जाति विशेषण संयुक्त भवति, वह जिस जाति विशेष संयुक्त होकर होता है, स जाति विशेष हो मानुष आदि ही, वह जाति विशेष का नाम मानुष आदि होगा देवाशिकर, इसलिए मानुष आदि ही। तथा मानुष आदि जाति विशेषता एवं सर्वे प्राणी निकाया, इसलिए मानुषत्वादि जाति विशिष्ट होकर के ही सकल प्राणियों का शरीर कार्यकरण संघात होता है। ऐसा कोई कार्यकरण संघात नहीं जिसमें कोई जाति नहीं होता। प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा जी पर जितने भी शरीर है, शरीर के अंदर एक ही है शरीर, तो भी हम कहेंगे कल्प भेदा तो उसके अंदर भी जाति माननी पड़ती है। यदि एक कद व्यक्ति नहीं है खड़ा हो जाएगा, अरे ब्रह्मा तो एक ही होता है, दो तो ही नहीं, जाति कैसे मानोगे? अरे अनेक ब्रह्मा हो चुके हैं, तुम्हें पता नहीं, ये वार्षिक पढ़ोगे तो पता चलेगा, और भी बहुत सारे ब्रह्मा जी वहां वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं लाइन में, वो भी टाइम देख रहे हैं हमको कब मौका मिलेगा हमारी ड्यूटी करने, है ना। अब यहाँ पता नहीं कितने आप लोगों में से क्या क्या उपासना करोगे, क्या नहीं करोगे, और आप लोगों में से कितने ब्रह्मा पोस्ट के लिए हो जाओगे अधिकारी, क्या मालूम, पता है क्या कैसी वासना भरी पड़ी है, क्या कामनाएं अंदर पड़ी है, है? और यही वेदांत भी पढ़ रहे, इसका ही फल कहीं ब्रह्मलोक की अपेक्षा हो, ब्रह्मलोक में भी अमुक पद की अपेक्षा हो, क्या मालूम, इसलिए ही पढ़ रहे हैं, चक्कर लगे हुए हैं, मच्छर बनेगा मच्छर ब्रह्म बनना है, उसका भी आनंद लेना है कभी, अरे लेके आ चुके हो, लेके आ चुके हो तब तो मनुष्य बने हो, वो सब योनियों के आनंद ले चुके हैं, तब अंत में इसमें आए हैं, इसलिए उसको स्मरण कर लो, ये बहुत ही दोबारा बनने की चेष्टा थी। मानुषाय चित्तविष्टा एव सर्वे प्राणी निकायाः परस्पर उपकारी उपकारक भाव वर्तमान दृश्यन्ते, परस्पर उपकारी उपकारक भाव से विद्यमान होता हुआ सभी को अनुभव में सिद्ध है ये बात। अतो मानुषाय जातिरपि सर्वेषां भूतानां मदो, इसलिए यह मानुष जाति भी सर्वे भूतों का कार्य,
तदर मानुषाय जातिरपि बाह्य आध्यात्मिकी च इति उभयता निर्देश भाग भवति। ये मानुषाय जातियों को भी दो भाग कर लो, सामान्य और विशेष, बाह्य आध्यात्मिकी च। उभयता निर्देश दो प्रकार से इनका विभाग करके निर्देश करनी ही चाहिए। ये समष्टि का कारणीभूता जाति अलग है, विषय का कारणीभूत जाति अलग है, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक भेद से इनको भी समझना चाहिए। इस प्रकार से अवयवों का निर्देश समाप्त हो गया। अंतिम पर्याय अब अवयवी रह गया, अवयव हो गया, अब अवयवी का निर्देश करना बाकी है। इसलिए अंतिम पर्याय में भी अवयवी को ले रहे हैं। समष्टि स्थूल सूक्ष्म समुदाय विराट और हिरण्यगर्भ और वेष्टि का स्थूल सूक्ष्म समुदाय विश्व तेजस शब्द से कहा जाता है। यह सब एक अवयवी के संबंध है। वह अवयवी कौन है? अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधो, अस्य आत्मन सर्वाणि भूतानि मधो, यश्चेम अस्मिन् आत्मने तेजोमय अमृतमय पुरुष, यश्चेम आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष, अयम एव स योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदं सर्वम। अयम आत्मा यह सर्व सामान्य शरीर ले लेना, जहां समष्टि व्यष्टि सब कल्पित सामान्य शरीर को ले लो, जिसमें समष्टि भी है। एक समष्टि नहीं, अनंत ब्रह्मांड बनाया, किसलिए कहा जाता है अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर है सारा समष्टियां, और उस समष्टियां अपने अपने व्यष्टि सहित, जिस एक विलक्षण शरीर को मानना पड़ेगा। वो सामान्य पहले लो, आत्मा शब्द देह, अयम देह सर्वेशा भूतानां मधु सकल भूतों का कार्य है, अस्य आत्मनः उस आत्मा शरीर का सर्वाणी भूतानि मधु सकल भूत कार्य है। अब आइए समष्टि में, यश्चेम अस्मिन् आत्मनि माने सूत्रात्मनि तेजमे अमृतमे पुरुषो, यश्चेम आत्मा से इसके अंदर क्या विज्ञान आत्मा, वहां सूत्रात्मा है, विराट के अंदर सूक्ष्म कौन है सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ, और यहां सूक्ष्म क्या है तेजोमय आपका तेजस पदार्थ, तेजस का था विश्व तेजस प्राग्ञ, वहां पर भी आपका विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, इसे वो ईश्वर रूप और हमारे यहाँ प्राग्ञ रूप, ईश्वर और प्राग्ञ रूप को पहले ले लो अयम आत्मा शब्द। ये जो प्राग्ञ है उस प्राग्ञ का ही कार्य ये सारी चीज, ईश्वर का कार्य ये सारा चीज, अच्छा प्राग्ञ और ईश्वर को अलग करके एक रूप ने ले लिया पहले, और उनके कार्यों को अलग कर दिया फिर बाद में। ईश्वर का कार्य सूत्रात्मा, प्राज्ञ का कार्य उसका स्थूल शरीर विश्व हो गया, उधर स्थूल शरीर विराट, अरे सब कहा है पितृ रूपा ब्रह्म, उस ग्रंथ में कहता है सयोयम आत्मा तुरीय तदेव आत्मा अमृतम ब्रह्म इदम सर्वम, सर्वाभेद हो गया। अयम आत्मा सर्वेशां भूतानां मधु, यह जो शरीर है यही सकल भूतों का कार्यकरण संघात है, मानुष जाति विशिष्ट है, जो वही है आत्मा सकल भूतों का शरीर, जो है सकल भूतों का कार्य है, और उस आत्मा का कार्य ये सकल यश्चेम अस्मिन् आत्मनि माने सूत्र आत्मा तेजमय अमृत पुरुष, यश्चेम आत्मा शब्द से विज्ञान आत्मा तेजमय अमृत पुरुष, अयम एव स यही है वो आत्मा जिसको पूर्व में आत्म इदम सर्वम करके निर्देश किया गया था, जिसके साधन रूपेण अमृत तत्व था वो भी यही है, और जिसको ब्रह्म करके जो प्रतिज्ञा की गई थी जिसका कथन करने वो ब्रह्म भी यही है, अतः यही असल जगत है। यस्तु कार्यकरण संघात मानुषाय जाति विशिष्ट स्वयं आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, जो यह कार्यकरण संघातात्मक है, कार्यकरण संघात नीचे स्पष्ट कर दिया, समस्त स्थूल सूक्ष्म समुदाय विराट हिरण्यगर्भ उपाधि, विराट और हिरण्यगर्भ का भी उपाधि, मानुषादि जाति विशिष्ट, मानुषादि से जाति से विशिष्ट है वो स्वयं आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, वह जो आत्मा ना वह सकल भूतों का कार्य है। ननु अयम शारीर शब्द निर्दिष्ट है प्रतिपर्याय है वो, पूर्व पक्षी कहता है इसी को तो शारीर शब्द से पहले आपने लिया था, प्रथम पर्याय वो तो पृथ्वी पर्याय में ही यम वही मधु कहकर शुरू हुआ था, वहीं पर आपने शारीर शब्द से इस सूक्ष्म आत्मा को नहीं लिया, लिंगाभिमानियों को ले चुके हो, और प्रत्येक पर्याय में भी तत्व संबंधी लिंग शरीरस्थ देवताओं को ले चुके हो, फिर यहाँ क्यों उसी को कह रहे हो आप? छेद न, ऐसे नहीं शंका करो, अयम ये जो आत्म शब्द से यहाँ जो ले रहे हो
उसको प्रथम पर्याय में शारीर शब्द के द्वारा निर्देश कर दिया गया, प्रति पर्याय में वो न पार्थिवांश से भी तथा ग्रहण सर्वावयव नहीं लेना, अवयवी रूपा नहीं लो, वहां पृथ्वी अंश संबंधी देवता को लेना है। अवयव संबंधी प्रत्येक अवयव का अपना अपना अभिमानी देवताओं को लिया, यदि वो भी सूक्ष्म शरीर के अंदर रहने वाले एक एक अवयव को लिया, पूरा सूक्ष्म शरीर को नहीं, अवयवी रूपेण वहां ग्रहण नहीं था, वहां तो केवल अवयव। इसलिए कह रहे हैं पार्थिवांश से ग्रहण यह तो सर्वात्मा प्रत्यस्तमित अध्यात्मिभूतादि सर्वविशेष सर्वभूत देवता गण विशिष्टा। इसलिए यहां तो हम क्या ले रहे हैं, सर्वात्मा को ले रहा हूं। सर्वात्मा का मतलब क्या, जो कि सर्व अवय विशिष्ट आत्मा, अवयवी रूप को ले रहा अर्थात प्रत्यस्तमित है अवय रूपता, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत अधिअध्य अधिवेद है, इतने अवय रूपता है, इन सबको प्रत्यस्तमन कर दिया, माने सकल अवयव रूपी भेद को त्याग करके अवयवी भाव में यहां पर कह रहा प्रत्यस्तमित अध्यात्म अधिभूत आदि सर्व विशेष रूपा, ऐसा वस्तु को प्राप्त हो गया यहां, अर्थात अवयवी में सकल अवयवों को अभेद करके लय कर दिया, उस अवयवी रूप को यहां पर चर्चा कर रहे। अतएव सर्वभूत देवता गण विशिष्ट, दो ही भाव ले रहे हैं, भूत और देव, इसे दो ही ले रहे हैं, भूत देवता गण विशिष्ट सकल भूत सकल देवता। अभी तक जितनी पर्यायों में 13 पर्याय पढ़ चुके हो, पूरा 13 पर्यायों में 13 भूत 13 देव अध्यात्म और अदेव से लिया, उन सकल का ही यहाँ समुदित रूपा एक अवयवी रूपेण हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, तो सर्व भूत देवता गण से विशिष्ट स्वरूप में यहाँ लिया है, कार्य कर्ण समुदाय आत्मा समष्टि को यहाँ ले रहा हूँ, कार्य कर्ण संघात स्वयं मात्र जिते उसी को यहाँ पर आत्मा शब्द से कह दिया गया है। अच्छा विराज सूत्र से चाहिए निमित्तम रूपम ये मिलितम रूपम, पीछे दे रहा है दो नंबर टिप्पण की, यहीं पर 642 में ही दो नंबर टिप्पण देखिए, विराज सूत्र से चाहिए, वार्तिक छोड़ दो, वार्तिक का भावार्थ ले लीजिए, विराज सूत्र से चाहिए मिलितम रूपम आ गया ना, स्थूल और सूक्ष्म का जो मिलित रूप है तस्य अयम आत्मिति ग्राहक, उसी रूप को ही यहाँ पर स्वयं आत्मा इत्यादि में आत्म शब्द से प्रथमांत वाचक शब्द के द्वारा ग्रहण किया गया है। और आगे यश्चयम अस्मिन् आत्मनि यहाँ कर लेना सप्तम्यंत आत्मनि आत्म शब्द विराज एव उक्तिर्थः सप्तम्यंत, इसको वाचक सप्तम्यंत कहेंगे, यहाँ पर वार्तिक में सप्तम में तत्प्रतिलिंगात्मा अतो विधीयते एक है। और यश्चयम अस्मिन् आत्मनि आगे जो आया सप्तम में आत्मनि वहां क्या लोगे कहते आत्मनि शब्द से विराट को ले जाए, और उधर जो है निर्देश विराजित पूर्वे न विराजो अभ्यंतरो लिंगात्मा तेजो में आदि शब्द उच्चते इत्याह तत्प्रतिलिंग इत्यादि, वापस दर्शन तस्मिन् अस्मिन् आत्मनि वह यह जो आत्मा में आत्मने विराट रूप में तेज में अमृत में पुरुष उसमें रहने वाले तेज में अमृत में कौन होगा सूत्र आत्मा, यश्चयम से आत्मेश्वर से स्थूल शरीर ले लो, स्थूल कौन है विराट, उसमें रहने वाले तेज में अमृत में पुरुष सूत्र आत्मा हो गया। इसलिए कहते अमूर्त रसा स्पष्ट करने के लिए अमूर्त रसा टिप्पण कर और स्पष्ट कर दिया सूत्र आत्मा निर्दिष्ट है, सर्वात्म को निर्देशित है, जो सर्वात्मक है उसका निर्देश किया, एक देश ने तो पृथ्वीयांश निर्दिष्ट हो अत्र अध्यात्म विशेष अभाव स न निर्देशित है, आगे ना पूर्व जो 13 पर्यायों में पृथ्वी आदि 13 पर्यायों में एक देश के द्वारा जिसको निर्देश किया गया था, अब यहाँ पर उसको अध्यात्म आदि विशेष के अभाव से विशिष्ट करके अध्यात्म आदि विशेष अभाव रूपेण ही यहाँ पर कथन किया, स अतएव स न निर्देशते, इसे पर अवयवों को निर्देश नहीं समझो, अध्यात्म विशेष स मैंने अध्यात्म विशेष का यहाँ निर्देश नहीं किया जा रहा, यहाँ अध्यात्म और अधिदेव भेद मत समझो, यहाँ अध्यात्म और अधिदेव भेद संभव नहीं है अवयवी में, यस्तु परिशिष्ट विज्ञान में अज्ञान जो परिशिष्ट है विज्ञान में रह गया, यदर्थ देहलिंग संघात
जिसके लिए ये देह और लिंग का विश्व सूक्ष्म स्थूल शरीरों का संघात बना हुआ है, उसको अंतिम आपका शब्द लेना आत्मा सयश्चयम आत्मित्युच्यते, उसी को अंत में कह दिया सयश्चयम आत्मा इति। यश्चयम आत्मा तेजो में मृत्यु पुरुषो अयमेव सयोयम आत्मा, कहेंगे तो आदमी यहाँ पर जो ना यह अध्यात्म प्रयोग नहीं किया। पहले क्या होता था, यश्चयम अध्यात्म मानुष, सभी पर्याय में आप देख रहे हो अध्यात्म शब्द आता था, अब यहाँ अध्यात्म शब्द नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें एक देश है, हमें निर्देश करना इष्ट नहीं है, सर्वावयवी रूप से निर्देश करना है। सकल अविशिष्ट स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान जो सकल अवश्य विशिष्ट जो सूक्ष्म, उसका विमान जो आपका तेज तेजस जिसको कहते हैं, विज्ञानात्मक जिसको कहते हैं उसको, और वह विज्ञानात्मक कहा है आनंदमय में, जिसको सामान्य रूप में पहले शुरू में लिया आपका वह आनंदमय में, वही आप तुरी कह देते हो, और उधर वह ईश्वर हो जाता समष्टि में, ईश्वर और जो आपका दोनों को एक ही भूत कर दिया प्राज्ञ को, अथवा आनंदमय को कहो एक ही जिस। इन सब अवयवी रूपेण कथन कर दिया, आप कहते हैं आगे जोड़ करके सब अयम आत्मा सर्वेशां भूतानां अधिपति ही सर्वेशां भूतानां गम राजा तदेता रथना भवचर रथने मौचारा सर्वे समर्पिता एवमेव अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे आत्मानः सर्वदाः। आप कहते हैं वही ब्रह्म है ना, इदम सर्वम कह दिया अंत में, इदम अमृतम इदम सर्वम, यह कैसा हो गया, क्योंकि वही सबका अधिपति, जो जिसका अधिपति हो जाता है उसी का सारा चीज हो जाते हैं, उससे अलग ही हो जाता है ना, सबका अभिमान कर जाता है। इसे कहते हैं सब अयम आत्मा, वह यह जो विज्ञान में आत्मा है, वह यह जो वृष्टि में जो दिया था विज्ञान में आत्मा, यही विज्ञान में आत्मा इस समष्टि का भी सूत्र आत्मा है, और वही ईश्वर है, इसे सर्वेशां भूतानां और सकल भूतों को वास्तव में के विज्ञान त्वम को तब के सतत भेद करते हुए कह दिया सर्वेशां भूतानां अधिपति सर्वेशां भूतानां राजा, और क्या कहा जाए दादा सकल भूतों के महाराजा है, इसलिए महात्मा को महाराज कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्म हो गया ईश्वर हो गया इसलिए महाराज। तदेता रथना अवोचर रथने मोचारा सर्वे समर्पिता, जर रथ के नाभि और रथ का नेमी, इन नेमी बाहर हो गया नाभि बीच हो गया, बाह्यत्व न अंतत्व न दोनों तरफ से वो नारायण जी समर्पित होती है, इसी प्रकार से बाह्य और अंत रूपेण अध्यात्म भेद रूपेण विद्यमान समस्त जो जगत है उसी आत्मा में समर्पित है। एवमेव अस्मिन्नेव आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे आत्मनः आत्मानः समर्पिताः, समस्त भूत समस्त देव समस्त लोक समस्त प्राण समस्त जीव रूपता ये सारी चीजें उसी ब्रह्म में समर्पित है। यस्मिन् आत्मनि इत्यादि आएगा। ओम गुरु नमः।